ये तो तुम्हें पता होगा, कंटेंट की कमी चारों तरफ है, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी सिनेमा हो, हर जगह कंटेंट की कमी है। इसीलिए सिनेफ्लैश के एपिसोड 1 के बाद सीधे सिनेफ्लैश का एपिसोड 2 देख रहे हो तुम लोग, यानी कि एक हफ्ते का गैप हो चुका है। इसी बीच ब्लू बीटल भी रिलीज हुई, बट मैं उसके ऊपर बात नहीं कर पाया क्योंकि अपने यहाँ थिएटर में लगी नहीं, इवन बाजू वाले शहर में भी नहीं लगी तो अपन देख नहीं पाए। अब अपने इंडिया के अंदर मणिपुर में जो रायट्स और लफड़े चल रहे हैं उनके बारे में तुम्हें आइडिया होगा ही, बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं वायरल वहाँ के, वो तुमने देखे होंगे। तो 1998 के 25 साल बाद 15 अगस्त 2023 को वहाँ पहली बार कोई मूवी रिलीज हुई और वो थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब 1998 में वहाँ पे लास्ट मूवी जो थी थिएटर में लगी थी वो कुछ कुछ होता है, और उसके 25 साल बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 15 अगस्त के दिन वहाँ पे रिलीज हुई। डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स, यूनाइटेड बाय सिनेमा। बकचोदी मत कर लोड़े। इसके बाद गदर 2 की मासिव सक्सेस के बाद रूमर्स ये हैं, बहुत हैवी रूमर्स ये हैं कि भाई सनी पाजी बॉर्डर 2 भी बना सकते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं बहुत सारे सोर्सेस से। इवन सनी पाजी ने भी इसको डिनाई कर दिया है और उन्होंने बताया कि मैंने अभी कोई सीक्वल मूवी साइन नहीं किया है, एंड मोस्ट पॉसिबली उनकी जो नेक्स्ट मूवी होगी वो अपने 2 होगी। लेकिन अगर भाई ये रूमर सही होते भी हैं तो प्लीज सनी पाजी थोड़ा रहम कर देना, ये मूवी साइन मत करना, क्योंकि बॉर्डर वॉज रियल इमोशन और उस मूवी को सीक्वल की जरूरत नहीं है भाई, इतना जहर नहीं सह पाएंगे अपन। तो राज एंड डीके की नेक्स्ट सीरीज गन्स एंड गुलाब्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, एंड इसी सीरीज के शूटिंग के टाइम पे उन्होंने ये रिवील किया था कि जो द फैमिली मैन का सीजन 3 है उसकी शूटिंग इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें इस सीरीज की, तो सीरीज बेसिकली एक विंटेज गैंग वॉर सीरीज है जो कि गांव के अंदर टेक प्लेस करती है, स्टारिंग दलकीर सलमान एंड राजकुमार राव, देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी अच्छी सीरीज है। तो ये तो थे कुछ अपडेट्स एंड रूमर्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां मूवी के कलेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसका कोई क्रिएटिव नाम अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट जल्दी सोच लेंगे। एनीवेज रजनीकांत की मूवी जेलर बॉक्स ऑफिस पे तगड़ा बिजनेस कर रही है, मतलब इस मूवी ने 500 करोड़ का अमाउंट क्रॉस कर लिया है, एंड इसी के साथ सुपरस्टार रजनीकांत फर्स्ट कॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं जिनकी 2 मूवीज ने 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया हो बॉक्स ऑफिस पर। अफसोस की बात यह है कि मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी क्योंकि मेरे थिएटर में ये मूवी लगी नहीं। अभी तक गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के शोज चल रहे हैं, ब्लू बीटल और जेलर लगी नहीं, इधर बाजू वाले शहर में भी नहीं लगी। समझ रहे हो मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूं कि भाई ऐसी जेलर जैसी मूवी मैं थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी सालार, अफसोस से जिसका प्रमोशन अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन चालू हो ना हो लेकिन हाइप तगड़ी बनी हुई है। यूएसए में सलार ने $60,000 की एडवांस बुकिंग्स कंप्लीट कर ली हैं ऑलमोस्ट बिना प्रमोशन की, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया की हाईएस्ट ओपनर मूवी बन सकती है जो कि पॉसिबली 200 करोड़ की ओपनिंग लेगी अपने डे 1 पर। वहीं अगर अपन हम बात कर ले अपने एलसीयू की यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की अगली मूवी लियो की, तो भाई लियो ने भी बड़े तगड़े कारनामे कर लिए हैं अपने रिलीज के पहले ही, 400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है रिलीज के पहले अपने थिएट्रिकल और ओटीटी राइट्स को बेच के। जहां अगर तुम सोच रहे हो तो इस मूवी का बजट ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ का था, तो अच्छी बात है उनके रिलीज के पहले ही पैसा कमा लिया। और एट दी एंड SRK की जवान ने भी कुछ ऐसा ही खेला कर दिया है, खाली OTT राइट्स 250 करोड़ की बेची है और थिएट्रिकल राइट्स का तो अभी कलेक्शन ठीक ठाक से रिवील भी नहीं हुआ है। इनकेस यू आर वंडरिंग, तो 220 करोड़ है इस मूवी का बजट, 30 करोड़ प्रॉफिट रिलीज के पहले, क्या मतलब अंधभक्तों की जल पड़ी। तो खैर यही थे कुछ अपडेट्स इस वीक से रिलेटेड, अगर तुमको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।